नमस्कार, एमएसएमई स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वंदना शर्मा। आज विश्व एमएसएमई दिवस है और आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने साल 2017 में विश्व एमएसएमई दिवस की स्थापना की थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थानीय और वैश्विक स्तर पर विकास में योगदान के लिए स्थापना की गई थी। इस साल विश्व एमएसएमई दिवस की ग्लोबल थीम है एमएसएमई सामाजिक आवश्यकताओं का प्रथम उत्तरदाता। क्या आपको पता है कि भारत में 6.3 करोड़ एमएसएमई हैं, जो 12 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं और देश के इन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का निर्यात में 45% योगदान होता है। एमएसएमई बड़ी राष्ट्रीय और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी स्थिति समग्र रूप से आपूर्ति श्रृंखलाओं पर असर डालती है। बीते दिनों एमएसएमई की परिभाषा में हुए बदलाव से इस सेक्टर को बड़ी राहत मिली है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे कपड़े और रेडीमेड गारमेंट के निर्यात में भी इजाफा होगा। वहीं पिछले महीने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई सेक्टर के लिए नई परिभाषा का ऐलान किया था। आपको बता दें कि अब 1 करोड़ रुपए के निवेश और 5 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले उद्यमों को अब सूक्ष्म उद्यम माना जाएगा। 10 करोड़ रुपए से कम के निवेश और 50 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले कारोबार को अब छोटे उद्यमों की कैटेगरी में रखा जाएगा। वहीं 50 करोड़ रुपए के निवेश और 250 करोड़ रुपए के कारोबार वाली इकाइयों को मध्यम उद्यम माना जाएगा। सोमवार 22 जून को वित्त मंत्रालय ने ये भी कहा था कि बैंकों ने एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना यानी ECLGS के तहत 75,000 करोड़ रुपए के लोन की मंजूरी जा चुकी है। इतना ही नहीं, 1 जून से शुरू 100% गारंटी वाली इस योजना के तहत अब तक 32,894.86 करोड़ रुपए वितरित भी किए जा चुके हैं। लेकिन लॉकडाउन से झटका खाई कई फर्मों के लिए क्रेडिट अभी भी एक बड़ी चुनौती है। वहीं अच्छे क्रेडिट इतिहास और बेहतर क्षमता वाली कंपनियां तो फंड जुटाने में सक्षम हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरतमंद एमएसएमई को इसकी दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, जिनमें मांग की गिरावट और फाइनेंशियल कमी शामिल है। दरअसल इस योजना से पहले बार के कर्जदारों और बैड अकाउंट वालों को बाहर रखा गया है। दबाव वाली एमएसएमई के लिए एक अलग योजना शुरू की जानी अभी बाकी है। हालांकि बैंक इस योजना के तहत लोन देने के लिए नई गारंटी नहीं मांग रहे हैं, मगर बैंक ये क्रेडिट सुविधा सिर्फ मौजूद उधारकर्ताओं को ही दे रहे हैं, इसलिए उनके कारखाने की जमीन, प्लॉट और मशीनरी ज्यादातर बैंकों के पास ही गिरवी रखी है। जहां तक इस लोन पर ब्याज दर का सवाल है तो ये लगभग ब्याज दरों के बराबर ही है और इसमें रियायत नहीं है, जो कि एमएसएमई के लिए एक अच्छी चीज नहीं है। पिछले महीने आरबीआई ने रेपो दर में 40 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर इसे 4% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर कम कर दिया था, मगर इसका फायदा उधारकर्ताओं को नहीं दिया जा रहा है। बीते दिनों जारी की गई एक रिपोर्ट में क्रिसिल रेटिंग ने यह भी कहा था कि एमएसएमई की इनकम और मुनाफे में गिरावट की संभावना है, जिसमें एक सूक्ष्म उद्यमों को सबसे तगड़ा झटका लगेगा। आपको बता दें कि सूक्ष्म उद्यमों का कुल एमएसएमई लोन में 32% हिस्सा है और इसमें कंज्यूमर डिक्शनरी, निर्माण निर्यात संबंधी और कपड़ा और चीनी मिट्टी की चीजों वाली कंपनियों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ विश्व एमएसएमई दिवस पर एक खुशखबरी भी है। आपको बता दें कि इस अवसर पर सूक्ष्म, छोटे और मंझोले आकार के उपक्रमों के B2B डिजिटल प्लेटफॉर्म सॉल्व ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया के साथ साझेदारी की है और इस साझेदारी के अंतर्गत एमएसएमई सेगमेंट के लिए विशिष्ट रूप से निर्मित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की गई है। सॉल्व एमएसएमई क्रेडिट कार्ड कारोबारियों को अपने मौजूदा कारोबारी खर्चों को पूरा करने के लिए तत्काल पूंजी मुहैया कराता है। तो दोस्तों, इसी तरह की बाकी अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।